हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी देखने वाले हैं हमारा जो आखेटक खाद्य संग्राहक है ना, हम लोग देख रहे थे आखेटक खाद्य संग्राहक। तो आखेटक खाद्य संग्राहक में हम लोगों ने जाना कि कैसे जो है लोग पहले है ना पुरापाषाण काल में जो पहले जो लोग लड़ते थे, तो प्रारंभिक लोग जहां से रहते थे जैसे नर्मदा नदी के तट पर लोगों का आरंभिक लोग रहते थे, वहां से उन्होंने अपने भोजन के लिए क्या किया, जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया। तो लोग पहले शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने पेड़ पौधे है ना, जंगलों के जो है जंगलों की जो विशाल संपदा है उससे क्या हुए, उसकी विशाल संपदा की जो समृद्धि है उससे लोग परिचित हुए। तो जो भोजन जो है अपने आखेटक खाद्य संग्राहक जो होते थे, यानी कि जो शिकारी करते थे, यानी कि भोजन के लिए लोगों को पहले शिकारी करना होता था, खेती और पशुपालन पर निर्भर नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या हुए, पहले आखेटक खाद्य संग्राहकों से फिर धीरे धीरे लोग खेती और पशुपालन को अपनाया लोगों ने। तो खेती लोग शुरू करने लगे, खुद जो है फसल उगाने लगे, और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पालतू जानवर को लोग पालने लगे। तो खेती और पशुपालन, खेती करने वालों को कृषक कहलाए, और जो पशुपालन यानी कि जो गाय भेड़ बकरी इत्यादि जानवरों को जो पालते थे वो क्या कहलाए, पशुपालक कहलाए। तो आरंभिक पशु कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। चलिए, हम कैसे पता कर सकते हैं आरंभिक, तो आज पूरी एनर्जी के साथ फिर से हम लोग आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविद कौन होते थे, जो पहले की जो भी वस्तुएं होती थी जैसे औजार बर्तन है ना इत्यादि आभूषण सिक्के, ये सारी चीजों का जो अध्ययन करते हैं, इन वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। यानी कि पूरा स्थल, वैसे स्थल जहां से औजार बर्तन इमारतें जैसे अन्य वस्तुएं जो लोग जो अतीत में रहते थे, पहले जो लोग वहां वसिंदा थे, जो अपने कामों के लिए इन वस्तुओं का निर्माण करते थे और उनको बाद में वहीं छोड़कर चले गए, तो इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को जो है नवपाषाण पुरास्थलों से है ना, तो नवपाषाण पुरास्थल क्या है, नवपाषाण पाषाण, नव मीन्स नया है ना, नव मीन्स क्या होता है, नव का क्या अर्थ है, नव का शाब्दिक अर्थ है नया, और पाषाण जो पत्थर से है इसे, तो नवपाषाण पुरास्थल, पाषाण का तात्पर्य क्या है, पत्थर, पुरास्थल वैसे स्थल, वैसे स्थान जहां से बर्तन औजार और अन्य उपयोगी वस्तुएं मिला करती है, पुरास्थल जैसे बुर्ज होम। तो ये जो बुर्ज होम है इसको आज हम लोग आधुनिक कश्मीर के नाम से जानते हैं, आधुनिक कश्मीर। तो ये बुर्ज होम हो गया। फिर देख सकते हैं मेहरगढ़ आप देख सकते हैं, फिर है चिराग। तो ऐसे भी है कि नवपाषाण पुरास्थल के कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताएं, नवपाषाण पुरास्थल कौन कौन से थे, बुर्जोम, मेहरगढ़, चिराग। अब क्या है कि इन पुरास्थलों से यानी कि यह स्थान, ये सारे के सारे जो स्थान है, ये स्थान उन जगहों को दर्शाता है, जहां से पुरातत्वविदों को आरंभिक
आरंभिक कृषक और पशुपालक, आरंभिक कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष मिले हैं। तो कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह वे स्थान है, ये जो बुर्जोम है जिसे आधुनिक कश्मीर कहते हैं, और ये जो मेहरगढ़ है और चिराग, ये सब क्या है, नव, यानी कि ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे पुरास्थल जहां से मिट्टी के बर्तन मिला करते थे, है ना। तो उन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल लोग जो है चीजों को रखने के लिए किया करते थे, खाना बनाने के लिए किया करते थे। तो ये स्थान उन जगहों को दर्शाता है जहां से पुरातत्वविदों को आरंभिक कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पहले पहले के जो पूर्व में जो हमारे कृषक होते थे, पहले सबसे सर्वप्रथम आरंभिक कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहां मिले, इन्हीं इन्हीं बुर्जोम, मेहरगढ़, चिराग, यानी आधुनिक कश्मीर जिसको कहा जाता है बुर्जोम, इन्हीं स्थानों में। ये उपमहाद्वीप के हिस्सों में भी पाए गए। उपमहाद्वीप क्या, जैसे आज हम देख सकते हैं आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, फिर आप देख सकते हैं म्यांमार, है ना, चीन, भूटान, इन सारी जो देश होते हैं, तो ये क्या होते हैं, महाद्वीप से छोटे होते हैं, लेकिन ये इनमें जो पर्वत है, जो पहाड़ है, जो समुद्र होते हैं, इनमें इन सारी चीजों होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनको उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया। चलिए, तो ये उपमहाद्वीपों में भी पाए गए। तो आरंभिक कृषक और पशुपालक यानी कि खेती करने वाले जो जानवरों को पालते थे कहां मिले गए, तो ये महाद्वीप में भी पाए गए। इनमें महत्व इनमें महत्वपूर्ण है इनमें महत्वपूर्ण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। फिर आप देख सकते हैं आधुनिक कश्मीर, आधुनिक कश्मीर और पूर्व व दक्षिण, पूर्व व दक्षिण भारत में पाए गए। देखिए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी पाए गए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर जिसे आज हम बुर्ज होम कहते हैं, और पूर्व दक्षिण पूर्वी व दक्षिण भारत में पाए गए। तो इन सारे ही कृषक और पशुपालक यहां पर पाए गए। तो वैज्ञानिक खुदाई में पौधों व जानवरों हड्डियों के
नमूने का अध्ययन किया गया तो आप देख सकते हैं कि आरंभिक कृषक पशुपालक कहां मिले, तो नवपाषाण पुरासा जैसे बुर्जुम है, मेहरगढ़, इन सारे स्थानों में। तो अब ये उपमहाद्वीप में भी पाए गए हैं, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में पाए गए हैं सबसे पहले, पूर्वी व दक्षिणी भारत में भी पाए गए। तो वैज्ञानिक खुदाई, जब वैज्ञानिकों ने खुदाई किया, पुरातत्वविदों ने जमीन के अंदर जब देखा, तो उसमें खुदाई में जो पौधों व जानवरों के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया है ना, कि लोग जो है पहले जो कृषक होते थे, खेती जो करते थे, उनके पौधों का विश्लेषण किया गया। पशुपालक जानवरों का जो पालते थे, जानवरों का जो भरण पोषण करते थे, उनके अवशेष, उनके हड्डियों के अवशेष मिले। तो इन सारी वस्तुओं में से जो महत्वपूर्ण थे, जैसे अनाज के दाना जले हुए, आप देख सकते हैं जले हुए अनाज के दाने भी वहां पे पाए गए। इनमें जले हुए अनाज के दाने भी पाए गए हैं। तो इन जले हुए अनाज के दाने ही पाए गए हैं, और वैज्ञानिक जो है तो जले हुए अनाज के दाने क्या होते थे, ये या तो ये गलती से जल जाते थे, अनाज के दाने, या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता था। तो अनाज के दाने, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं पहले उन पुरास्थलों से, और क्या होते थे, या तो उन जो अनाज के दाने होते थे, या तो उनको, ये तो गलती से जल जाते होंगे, या तो उनको गलती से या फिर जानबूझकर उनको जला दिया जाता, उनको नष्ट कर दिया जाता होगा। वैज्ञानिक इन जले अनाज के दाने का अध्ययन, तो वैज्ञानिकों ने इन जले हुए अनाज के दाने का अध्ययन किया या पहचान की। तो जले हुए अनाज के दाने का अध्ययन किया या फिर पहचान किया। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जले हुए अनाज का अध्ययन जो है वैज्ञानिकों ने पता लगाया किया कि अनाज थे तो किस प्रकार के थे, कैसे थे। अब उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसल उगाई जाती थी। तो उपमहाद्वीप जो है उनके बहुत सारे विभिन्न भागों में फसलें उगाई जाती थी। साथ ही पशुपालक जो जानवरों को पालते थे, तो उन जानवरों के हड्डियों, यानी कि वैज्ञानिकों ने जानवरों के हड्डियों का भी पहचान किया।
तो आप देख सकते हैं कि आरंभिक कृषक और पशुपालक कहाँ मिले, तो नवपाषाण पुरास्तर जैसे बुर्जुम आधुनिक कश्मीरी से कहते हैं, फिर मेहरगढ़ देख सकते हैं। तो इन स्थान वे जगहों को दर्शाते हैं जहाँ पुरातत्वविदों ने क्या पाया, कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले जिनको, और उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे पश्चिमोत्तर है ना, जैसे आधुनिक कश्मीर में ये कृषक पशुपालक पाए गए जहाँ खेती लोग करते थे, जहाँ जानवरों को पालते थे, और फिर आप पूर्वी और दक्षिणी भारत देख सकते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, और वैज्ञानिकों की खुदाई में जो है पौधों के और जानवरों के हड्डियों के भी नमूने अवशेष मिले। वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान लगाया, उनका पता किया, विश्लेषण किया, और कुछ अनाज के जले हुए दाने भी मिले हैं है ना, और ये जले हुए दाने को या तो गलती से या तो जानबूझकर नष्ट कर दिया गया होगा। और भी उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में कई सारी फसलों भी उगाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि आरंभिक जो हमारा आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता करें, तो ये जो हमारा एक मेन संदर्भ है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में पता कैसे कर सकते हैं, तो हमारे जो पुरातत्वविद होते थे वो पुरास्थलों के बारे पुरास्थलों में कुछ वस्तुओं को पाए, जैसे जानवरों की हड्डियां है ना, और पौधों के अवशेष, और कुछ अनाज के जले हुए दाने। अब हम लोग देखने वाले हैं अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई अस्थाई जीवन अस्थाई जीवन की ओर। तो अस्थाई जीवन की ओर में क्या हम लोग देखने वाले हैं, पुरातत्वविद यानी कि जो पुरानी वस्तुओं यानी पुरास्थलों में पाए गए वस्तुओं का जिन्होंने अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं है ना। तो पुरातत्वविदों ने कुछ इलाकों में झोपड़ियां और घरों के जो है निशान पाए गए उनको पुरातत्वविदों को तत्वविदों को कुछ इलाकों में झोपड़ियों झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम यानी कि आधुनिक कश्मीर बुर्ज होम के लोगों ने, तो पुरातत्वविदों को क्या हुआ कि वहां कुछ इलाकों में झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, यानी कि लोग वहां झोपड़ियां बनाते थे पहले कुछ पुरास्थलों से, या कुछ इलाकों या पुरास्थल आप देख सकते हैं कुछ पुरास्थलों में झोपड़ियों घरों के निशान मिले। तो बुर्ज होम जिसे आधुनिक कश्मीर कहते हैं, के लोगों ने गड्ढे के नीचे घर बनाया जिसे गर्तवास कहा जाता था। तो बुर्जुओं के लोगों ने गड्ढे के नीचे बनाया घर, कहाँ बनाया, गड्ढे के नीचे घर बनाया जिसे गर्तवास कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि गर्तवास किसे कहते हैं, गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे। इनसे
नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां इसे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इनसे नीचे उतरने के लिए क्या करते थे? सीढ़ियां होती थी। ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में इनसे सुरक्षा मिलती, ठंड के मौसम में इनसे सुरक्षा मिलती थी। तो ठंड के मौसम में लोग क्या करते थे, जैसे कि सपोज ये जम, क्या है, ये धरातल है, तो ये जो जमीन है इसके नीचे लोग घर बनाते थे। अब घर जब बना लेते थे, क्योंकि चारों तरफ से हवा क्या हो गया, बंद हो चुका था, तो इसे गर्दवास करते थे लोग, इसके नीचे सीढ़ी से उतरते थे, उसी जमीन के अंदर रहते थे। तो जब ठंड के समय में क्या होता था, तो ठंड के मौसम में इनसे सुरक्षा कैसे होती थी, ठंड के मौसम में लोग जो है ठंड से राहत मिलती थी। इस समय पुरातत्वविदों को ठंड के मौसम में इनसे सुरक्षा, इनसे ठंड के मौसम में लोगों को सुरक्षा मिलती थी ठंड से। चलिए पुरातत्वविदों, अब क्या थे कि पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविदों को इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग के अवशेष मिले थे। तो जो लोग, जो पुरातत्वविदों ने पुरास्थलों में जो झोपड़ियां देखी, उन झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग के अवशेष मिले थे। अब मौसम के अनुसार, आखिर ये जो आग, जो आग के अवशेष झोपड़ियों के अंदर और बाहर मिले, क्यों मिले? तो मौसम के अनुसार लोग घरों के अंदर और बाहर खाना पकाते, तो मौसम के अनुसार लोग घरों के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। तो जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो लोग घर के बाहर में खाना पकाते थे, आग जलाते थे, और जैसे ठंड के मौसम अगर आते थे तो लोग घरों के अंदर चले जाते थे, घर के अंदर ही खाना पकाते थे। तो इस तरह से मौसम के अनुसार लोग घरों के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। पुरातत्वविदों को कुछ जगहों से पत्थर के
या भी मिले थे, तो पत्थर के औजार भी मिले थे। अब क्या है, तो ये औजार ये औजार पूरा पाषाण कालीन पूरा पाषाण कालीन युगों से भिन्न था, तो पूरा पाषाण कालीन युगों से भिन्न था कौन? तो जो कुछ जगहों से लोगों पुरातत्वविदों ने पत्थर के औजार मिले उनको, और ये औजार पूरा पाषाण कालीन युगों से भिन्न था, जिन्हें नवपाषाण पुरातत्वविदों को इन झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग के अवशेष मिले थे। मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर बाहर खाना पकाते थे, अगर गर्मी होती थी लोग घर के बाहर खाना पकाते थे, ठंड के मौसम में लोग घर के क्या करते थे, अंदर खाना पकाते थे। कुछ जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, और ये औजार पूरा पाषाण यानी कि सबसे प्रारंभिक दौर यानी कि 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले के समय, तो पूरा पाषाण कालीन युगों से भिन्न था, और जिन्हें नवपाषाण युग कहा गया है। अब जो है क्या है कि ये औजार, इनमें से कुछ औजार औजारों को और अधिक औजारों की धार को परिणाम करने के लिए पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती चढ़ाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ औजारों की धार को और अधिक पैना और अधिक उनको तीक्ष्ण करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, है ना। अब ओखली ओखली और मूसल और ओखली देखें, उसल और मोखली और मूसल से
ओखली और मूसल का प्रयोग वनस्पति अनाज और अनाज और वनस्पतियों से वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। अब हजार साल बाद भी हजारों साल बाद भी हजारों साल बाद भी आज हजारों साल बाद आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओखली होती थी और जो मूसल जो आज भी हजारों साल बाद भी इसका प्रयोग होता है, किस लिए? अनाज और जो वनस्पति होते थे उनसे प्राप्त चीजों को पीसने के लिए लोग इनका उपयोग करते थे, किया जाता था। तो आप देख सकते हैं घरों में मसाला जो है आज जो मिक्सी का यूज करते हैं लोग, तो मसाला को पीसने के लिए बहुत सारी चीज, तो ओखली और मूसल का लोग जो है क्या करते थे, प्रयोग करते थे। चलिए तो आप देख सकते हैं ओखली और मूसल जैसे आप कुछ भी मसाले की सारी चीजें जैसे अदरक है लहसुन इन सारी चीजों को लोग जो है मिर्च को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे। आप देखिए इस तरह से जो है ओखली ये जो है आप देख सकते हैं ये मूसल है, ये पत्थर के आप देख सकते होंगे इस तरह से जो है, और इन पे जो है इस तरह से जो है क्या होती थी तो आप देख सकते हैं ये तो ये जो है मूसल और ओखली तो ये देख सकते हैं इनसे क्या होता था, इन पर क्या किया जाता था, पीसा जाता था, इन पर इस तरह से पीसा जाता था। तो ये पीसने के लिए यूज किया जाता ओखली। ये क्या होती थी, ये मूसल कहलाती है, मूसल। तो आप देख सकते हैं धान वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती थी उनको भी कभी कभी जो है छोटे छोटे चीजों को पीसने के लिए भी, अनाज जैसी चीजें वनस्पतियों से प्राप्त कोई भी चीजें उसके लिए जो है पीसने के लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं पत्थर के जो औजार होते थे, पत्थर के औजार वो भी जो है इसी ढांचे में तैयार किया जाता था, पत्थर के औजार। तो पत्थर के औजार भी देख सकते हैं आप इस तरीके से तैयार करते थे, पत्थर के औजार।
तो मोशन ओखली हो गया जिसका प्रयोग करते थे अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए, ओखली और मूशल का प्रयोग करते थे। प्रस्तरकारी नियुग आप देख सकते हैं, प्रस्तरकारी नियुग, प्रस्तर कालीन युगों के औजार भी आज, प्रस्तरकालीन युगों के औजार भी, औजारों का निर्माण व उपयोग किया जाता है। तो प्रस्तरकालीन युगों के औजारों का निर्माण व उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं उपयोग किया जाता था, इनमें से कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। नवपाषाण पुरास्तरों से कुछ मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन भी मिले। तो आप देख सकते हैं कि उस समय है ना, तो मिट्टी के बर्तन भी जो नवपाषाण पुरास्तर से मिले, उन मिट्टी के बर्तनों पे अलग अलग तरह के अलंकरण भी किया गया। अलंकरण क्या होता है? अलंकार यानी कि सजावट, सौंदर्य। इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया गया था। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है बर्तन होते थे पहले, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ये क्या थे, ये बर्तन थे, ये पात्र, इसको हम लोग पात्र कहते हैं, पात्र चीनी, क्या चीनी मिट्टी के बर्तन,
आप देख सकते हैं इस तरह के बर्तन जो होते थे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, क्यों, इनका उपयोग क्या था, उपयोगिता, बर्तनों की उपयोगिता, योगिता, क्या बर्तनों की उपयोगिता क्या थी आखिर? तो पहला था इनका चीजों को रखने के लिए किया जाता था, चीजों को रखने के लिए किया जाता था। तो बर्तनों की उपयोगिता क्या, चीजों को रखने के लिए किया जाता था। और दूसरा क्या है, खाना बनाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए दूसरी उपयोगिता क्या है, खाना बनाने के लिए एक पात्र, ये जो बर्तन है ये क्या है, एक पात्र है मिट्टी के बर्तन। आप देख सकते हैं इसमें जो है क्या है, तो लाल मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के पात्र है। तो इनपे जो है कई तरह के पात्र बनाए जाते थे, इसी तरह के बर्तन बनाए जाते थे। और ये जो है एक पात्र है, इसमें क्या है, काले कलर की एक पट्टी बनाई जाती थी इस तरह से, तो काले कलर की जो है पट्टी होती थी इन पर इस तरह से। और भी इन पे कई तरह का जो है अलंकरण इनको इनके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए किया जाता था। और इनकी रंग कैसी होती थी, तो लाल कलर की होती थी, लाल कलर का इसमें सजावट किया जाता था मिट्टी के बर्तनों को। और इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो चीजों को रखने के लिए किया जाता था, और दूसरा खाना बनाने के लिए किया जाता था। चलिए, तो चावल अब देख सकते हैं खेती में जो हम लोग देखें, तो लोग जो है पहले जो आहार का जो महत्वपूर्ण जो स्रोत हो क्या, चावल, गेहूं और दलहन, चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण स्रोत था। कपड़े के लिए क्या करते थे लोग, तो साथ साथ क्या करते थे, साथ ही लोग जो है कभी कभी खाने में क्या था, तो चावल, गेहूं और दलहन, तो कभी कभी लोग कपड़े भी बुनते थे। तो लोग कभी कभी पहनने के लिए कपड़े भी पहनने के लिए लोग कभी कभी लोग पहनने के लिए पहनने के लिए कपड़े भी बुनते और जिसके लिए कपास जैसे पौधों भी उगाते थे, जिसके लिए कपास जैसे पौधे भी उगाते थे। देख सकते हैं कभी कभी लोग क्या करते थे, भोजन के आहार महत्वपूर्ण स्रोत कौन थे, चावल, गेहूं और दलहन। फिर कपड़े पहनने के लिए लोग कपड़े बुनते थे, और कपड़े के लिए लोग जो है कपास जैसे पौधों भी उगाते थे। तो देखिए आज क्या हमारी जो संस्कृति परंपरा है, लोग पहले क्या कि भोजन के लिए तलाश शिकार करते थे, फिर लोगों को जरूरत पड़ी कपड़े पहनने के, हमारे आदि पूर्वज के जो काल के लोग होते थे उनको कपड़े की जरूरत पड़ती थी,
है ना। तो कपड़े लोगों की आवश्यकता थी, उनको लगा कि नहीं कपड़ा हमारी जो है परंपरा, हमारी संस्कृति, धरोहर जो है हमारी होगी। तो कपड़ा उनको हमारे अतीत में जो हमारे पूर्वज थे उनको कुछ महत्वपूर्ण लगा होगा, तो उन्होंने कपड़ों का निर्माण किया। तो लोग पहले पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे लोग जो कपड़े बुनने लगे, कपास के पौधे उगाने लगे। तो उनकी उनकी अपनी जरूरतों के अनुसार से उन्होंने कपड़ा की बुनाई और सिलाई किया। और फिर धीरे धीरे क्या है, लोग फिर आगे आते गए और हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं को और समृद्ध करते चले गए। आप देख सकते हैं हमारे भारतीय पहनावा जो होता है कई तरह के हैं, उनमें हमारी भारतीयता जो है झलकती है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो है आधुनिकता इतनी प्रचलन में चल रही है कि पश्चिमोत्तर सभ्यताओं को लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो पश्चिमोत्तर सभ्यता इतनी लोगों के दिलों में मतलब एक बैठती गई है कि लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने से वे आधुनिक हो जाएंगे और वो क्या होंगे, वे एक मतलब सबसे अलग दिखेंगे समाज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे समाज में आदर सम्मान उन्हीं का होता है जो सभ्य तभी दिखता है जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति परंपरा को समृद्ध करने के लिए हम पश्चिमोत्तर सभ्यताओं को अपना लें। वेस्टर्न कल्चर संस्कृति को हम क्यों अपनाए, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति हमारे राजा महाराजाओं ने इतनी सारी आभूषणों की हम लोगों को दर्शाया है, जिसे हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, है ना। तो हम लोगों को कभी भी वेस्टर्न कल्चर पे ज्यादा अग्रसर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा भारतीयता की परिचय बनाए रखना चाहिए। चाहे हम कहीं भी जाएं, हम अपने भारत देश में रहें या किसी अन्य देश में जाएं, विदेशों में भी जाएं, हमें अपने हमेशा भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। हमारी पहनावा भी हमारा क्या है, परिचय बताती है। चलिए, तो कभी कभी लोग जो है पहनने के लिए कपड़े बुनते थे, जिसके लिए कपास जैसे पौधे उगाते थे। चलिए, तो अब जो है हम लोग आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। तो मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नवपाषाण पुरा स्थल है। तो ये ईरान जाने वाली, ईरान जाने वाले रास्ते बोलंग दर्रे के समतल हरा भरा इलाका है। तो आप देख सकते हैं मेहरगढ़ का ईरान जाने वाले जो रास्ते हैं वो बोलंग दर्रे के समतल हरा भरा इलाका कहलाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है दो तीन बात बहुत ही प्रचलित थी, जैसे कि मेहरगढ़ में रहने वाले जो स्त्री पुरुष होते थे वे सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसल उगाए, फिर वहां पे भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवरों को उन्होंने पाला, हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी वहां पाए गए। तो मेहरगढ़ के प्रचलित बातें क्या थी, तो प्रमुख बातों में पहला यहां के मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत 10,000 वर्ष पहले हुई थी। 10,000 वर्ष पहले बस्तियों की शुरुआत, तो यहां के स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ
जैसे फसल उगाए और दूसरा क्या उगाए, जानवरों को भी पाले, तीसरा यहां जंगली जानवर जैसे हिरण और सुअर जैसे यहां जंगली जानवर जैसे हिरण और सुअर के हड्डियों के अवशेष भी मिले कहां, तो मेहरगढ़। तीसरी जो बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे लोगों में आस्था थी, यहां लोगों में आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, लोगों में यह आस्था थी। चले तो यहाँ के मेहरगढ़ की प्रचलित बातें में क्या, स्त्री पुरुष गेहूं और जौ जैसी फसल उगाए, जानवरों को पाले, जंगली जानवर जैसे हिरण और सुअर के हड्डियों के अवशेष भी मिले, यहाँ लोगों में आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो कब्र होती थी जिनपे क्या होता था, मृत्यु के बाद लोगों को उस कब्र में दफन किया जाता था। तो पांचवा, यहां मृतकों के कब्रों के साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया जाता था। तो मृतकों की कब्रों के साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया जाता था, जैसे बकरी। तो माना संभवतः ये जो बकरी होते थे, संभवतः संभवतः परलोक में ये मृतक के लिए मृतक के भोजन के लिए रखे गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेहरगढ़ के कुछ कब्रों में जो है मृतकों के साथ, मृतक जो कब्र में जिनको लिटाया जाता था उनके साथ बकरी भी रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि परलोक में ऐसा माना जाता कि जो मृतक होते थे उनके जो सगे संबंधी होते थे वे रखते थे, तो ताकि वो पूर्वज मतलब परलोक में जब वो जाते थे मृतक, तो उनके लिए खाने के लिए और भी कई आवश्यक वस्तुएं भी उनको वहां पे मदद कर सके। ऐसी विचारधाराएं मेहरगढ़ के लोगों में थी। लोगों वहां की लोगों की में आस्था थी कि जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसीलिए इन्हीं आस्थाओं की वजह से लोग जो है कब्रों में
जो है मृतकों के साथ क्या रहते थे, उनके परिवारजन जो है कुछ आवश्यक वस्तुएं रख दिया करते थे। चलिए, तो इस तरह से जो है हम सभी धीरे धीरे अध्याय को कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, है ना, शिकार करते करते किस तरह से लोग जो खेती करने लगे, इन सारी चीजों को हमने देखे। तो एक प्रश्न है, क्या सभी परिवर्तन जो एक जगह पर सब एक साथ आए थे? नहीं, एक पहले क्या हुआ, लोग जो है आखिर शिकार करते करते भोजन अपने लिए व्यवस्था किए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सालों बाद, कुछ हजारों वर्षों बाद, फिर लोगों ने खेती और पशुपालन को अपनाया और जीवन को बेहतर और समृद्ध करते चले गए। तो आज देख सकते हैं हमारे लिए जो है कितना आसान है भोजन, है ना, तुरंत हमें मिल जाता है, किसी भी सुविधाएं हमारी तुरंत मिल जाती है। इसीलिए हमें हमेशा जो है प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हमें कृषक यानी खेती का जो है, हमारी प्रकृति की जो संपदा है इसका हमें पूर्ण रूप से सम्मान और हमें इसके लिए क्या होनी चाहिए, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करनी चाहिए। चलिए, इस तरह से हम लोग जो है पढ़ाई करते रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। चलिए, पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।